तीन राज्यों में फुस रहा आपका प्रदर्शन, क्या केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है? राष्ट्रीय विस्तार पर लगा ब्रेक, जिस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा, राजस्थान में भाजपा, तेलंगाना में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में भाजपा, तिहाड़ में आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में काउंटिंग जारी है, जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ राजस्थान में सरकार बनाने के करीब है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सरकार बना सकती है। इसके तहत इसी साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कई रैलियां और रोड शो किए थे, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव आयोग के अभी तक के आंकड़ों को देखें तो आम आदमी पार्टी चुनाव में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा में प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पार्टी की वोट शेयर बढ़ाने पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बार आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इन तीनों ही राज्यों की चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे उसके राष्ट्रीय विस्तार की गति को तय करेगा। केजरीवाल सहित आपके कई नेता शराब घोटाले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं, ऐसे में इन तीनों राज्यों के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए नई ताकत दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी को ताकत दे सकते थे। आम आदमी पार्टी के अपने विस्तार की नीति के तहत मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 70 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने 88 प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 57 उम्मीदवार उतारे थे। मगर केजरीवाल को तीनों ही राज्यों से तगड़ा झटका लगा है। आपका कोई भी कैंडिडेट छाप छोड़ने में नाकाम रहा, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित उम्मीदवार सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल भी चुनाव हारती नजर आ रही हैं और टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे की जमानत भी जब्त होती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में 0.94% वोट मिला है, वहीं पार्टी को मध्य प्रदेश में 0.44% मिला है। इसके अलावा आपको राजस्थान में 0.38% वोट मिला है।